नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं प्रतिभा सिंह बघेल से। अगर आप टेलीविजन पर रियलिटी शोज देखते हैं तो आप इन्हें जानते होंगे। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं और हाल की कुछ हिट फिल्में आपने देखी हैं तो उसमें आपने इनकी प्लेबैक सिंगिंग भी सुनी होगी, लेकिन मैं इन्हें अलग वजह से जानता हूं। मैं इन्हें इसलिए ऐसे जानता हूं कि इन दिनों बहुत सारा वक्त मोबाइल पर बीत रहा था और बहुत सारी क्लिप आप भी देखते होंगे, व्हाट्सएप पर आपके पास आती भी होंगी और आप भेजते भी होंगे। ऐसी एक क्लिप मेरे पास आई और उस क्लिप में एक लड़की गाना गा रही थी और वो गाना गजल, बल्कि कहना चाहिए वो गजल गाई हुई थी जगजीत सिंह की। तो शुरुआत के शायद 5-7 सेकंड के भीतर ही ऐसा लगा कि ये क्लिप देखने लायक है और वो क्लिप मैं देखता चला गया और तकरीबन 3 मिनट का वो जो पीस मेरे पास आया था वीडियो, उसमें तुम्बिन फिल्म में जो जगजीत सिंह साहब ने गजल गाई थी कोई फरियाद, वो गजल गा रही थी प्रतिभा सिंह बघेल। और यकीन मानिए ऐसा लगा, हालांकि जगजीत सिंह की गायकी को मैच करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो ठहराव था आवाज में और जिस तरह डूब कर उन्होंने उस गजल को गाया था, उससे लगा कि अगर जगजीत सिंह सुन रहे होते तो शायद वो भी प्रतिभा की तारीफ करते, उनकी पीठ ठोंकते और उनसे कहते कि ये तुम्हारा वो फोटे है जिसको तुम्हें और एक्सप्लोर करना चाहिए, यानी गजल में तुम्हें और अपना प्रयास करना चाहिए, हाथ आजमाना चाहिए। तो ऐसी बेहद टैलेंटेड सिंगर प्रतिभा सिंह बघेल का मैं स्वागत करता हूँ। प्रतिभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शिवेन जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्रतिभा, चूंकि आपका परिचय मैंने गजल से दिया है और बिल्कुल खास स्पेसिफिक एक गजल की बात की है, तो बातचीत हम शुरू करेंगे और आपके संगीत सफर पे बातचीत होगी, लेकिन रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सबसे पहले वो गजल ही सुनाएं, क्योंकि वो गजल ही मेरा और आपका जो परिचय है, या शायद आज जितने लोगों से आपका रागगिरी के थ्रू परिचय हो रहा है उसमें उस गजल का बहुत योगदान है, तो उस गजल से ही शुरू करते हैं बातचीत। जी जरूर, जिस गजल से मेरा और आपका परिचय हुआ वो गजल से शुरुआत करती हूँ। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा। और अब आते हैं इंटरव्यू के उस हिस्से पर जहां से हम बात करेंगे आपके संगीत सफर की। तो बताएं हमें कैसे शुरू हुआ ये संगीत का सफर, क्योंकि मध्य प्रदेश की आप रहने वाली हैं, रीवा की आप रहने वाली हैं, और वहां किस तरह से संगीत, क्या परिवार में था पहले से, किस तरह से संगीत आया और फिर कैसे आपका जो ये सफर था संगीत का वो शुरू हुआ? दरअसल म्यूजिक फैमिली में ही था। मेरे पिताजी गाते थे, शौकिया गाते थे, पर गजलें उन्हें बहुत पसंद था गाना, और मेरे काका तबला प्लेयर हैं खैरागढ़ म्यूजिक यूनिवर्सिटी में, वो सीखे भी और वहाँ सिखाया भी। और उसके बाद में प्रोफेशनली मैंने अपने घर में, शायद मैं दूसरी इंसान हूँ जिसने म्यूजिक को प्रोफेशनली अपना करियर चूज किया। और उसके बाद में मेरे कजिन हैं, बहुत अभी बहुत यंग हैं और वो भी बहुत टैलेंटेड है और अपना करियर म्यूजिक में परस्यू करना चाहते हैं। तो इस तरह से कहना चाहिए कि परिवार में म्यूजिक तो था लेकिन प्रोफेशनली कम था। और उसके बाद अगर बात करें कि रीवा से मुंबई तक का सफर कैसा रहा, मुझे तो जर्नी बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि रास्ते में आप बहुत कुछ सीखते हुए चलते हैं। और रीवा में जब मैं यहाँ से मुंबई गई थी, 2008 की बात है,
2008 के पहले का जो यहाँ माहौल था, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जितनी आज है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल हु आर टेकिंग इट वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी नाइसली. पहले म्यूजिक में जाना था तो बहुत सारे इधर उधर के लोग कहते थे कि म्यूजिक में जाओगे कोई करियर नहीं होगा. इनफैक्ट मेरी मदर कहती थी कि म्यूजिक में कोई ऐसी एक जॉब नहीं है आजकल सिक्योर्ड जो तुम्हें मिल सकती है, और ये कितना मतलब इनडेफिनेट है, तो तुम कैसे अपना करियर इसमें बनाओगी. लेकिन फिर भी मैंने चूज किया और उन सब ने मेरा सपोर्ट किया. तो तब हालात बहुत अलग थे, और पता नहीं कैसे मैं लता मंगेशकर अलंकरण अवार्ड के लिए गई थी इंदौर, और वहां से सारे गामा हुआ, एंड देन आई वेंट टू मुंबई 2008 में, और उसके बाद आज 2020 चल रहा है और जर्नी अभी भी शुरू है, चालू ही है. बहुत खूबसूरत सफर था. पहला मेरा बॉलीवुड का प्लेबैक जो था वो उस्ताद राशिद खान साहब के साथ में एक ठुमरी मैंने गाई थी. सचिन जिगर का म्यूजिक था और इसक नाम था फिल्म का, उससे मेरी शुरुआत हुई. मेरा पहला बॉलीवुड सॉन्ग था. उसके बाद में काफी सारे गाने मैंने फिल्मों के लिए भी गाए, और गजलों का सफर तो चल ही रहा है. उसके बाद में मैंने सलीम सुलेमान साहब के लिए उमराव जानदा के लिए मैंने गाया, मणिकर्णिका में गाया शंकर एहसान लॉय सर के लिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे कंपोजर्स के लिए मैंने गाया. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जिन लोगों का भी मैंने अभी नाम लिया है, ये लोग इतने गुणी और इतने मंजे हुए कलाकार हैं कि इन लोगों के साथ में रहना मात्र ही अपने आप में एक अचीवमेंट लगता है, क्योंकि इन लोगों ने इतना म्यूजिक को इतने करीब से देखा है, और इतने सालों की तपस्या है ये कि इन लेजेंड्स को देखकर ही इतना सीखने को मिलता है. तो उनके साथ काम करना वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. अच्छा प्रतिभा, आप रागगिरी के अगर जो तमाम इंटरव्यूज हमने पहले किए हैं, कई बड़े दिग्गज कलाकारों के भी इंटरव्यू किए हैं, वो अगर आप देखेंगी तो मेरा एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और मैं ये जरूर पूछता हूँ कि जब आप गाना गाती थी और अच्छा गाती थी बचपन में, तो क्या कभी इससे कोई फायदा हुआ? किसी टीचर ने कहा हो कि यार इसको तो 5 नंबर एक्स्ट्रा दे देना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत अच्छा गाती है, बहुत सुरीली लड़की है, ऐसा कभी कोई फायदा हुआ कि आपको, या कभी किसी शरारत के लिए पिटाई होने वाली हो लेकिन पिटाई से आप बच गई हो क्योंकि कोई अच्छा सा गाना सुना दिया हो आपने? वैसे म्यूजिक में होने के कारण मैं चहेती जरूर थी बहुत सारे टीचर्स की, लेकिन उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा नंबर्स पता नहीं किसी ने दिए हो तो मुझे बताया नहीं कभी. लेकिन मैं पढ़ने में ठीक ठाक थी, और म्यूजिक में मुझे मेरे जो टीचर्स थे, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे टीचर्स मुझे हमेशा सही दिशा में जाने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे, और मुझसे स्ट्रिक्ट भी रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद मैं हार्ड वर्किंग हूँ या फिर मुझे वो और तरक्की करते हुए देखना चाहते थे, इसलिए वो लोग स्ट्रिक्ट भी होते थे. और मुझे तो ऐसा याद नहीं है कि उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा नंबर दिए होंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलते थे. तो अभी मैं सोच पा रही हूँ कि शायद उन्होंने कभी मेरे ऊपर मेहरबानी भी की हो. लेकिन शरारतें तो मैं ज्यादा करती नहीं थी, मैं अच्छा बच्चा थी जब मैं स्कूल कॉलेज में थी, और बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट थी. लेकिन मुझे याद है कि मेरे प्रिंसिपल सर जो थे, जब 11th क्लास में हमारे टाइम पे, जब 11th क्लास में आप अपनी सब्जेक्ट चेंज करते हैं कि अब आपकी फेवरेट सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं, तो मैंने मैथमेटिक्स लिया था क्योंकि अपेरेंटली आई हैड टू बिकम एन इंजीनियर. लेकिन फिर एक साल बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं इंजीनियरिंग और म्यूजिक दोनों साथ में नहीं कैरी कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा टाइम डिमांडिंग है. तो तब मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे खुद ही बुलाकर बोला कि तुम दोनों में अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो, और आई वुड सजेस्ट कि तुम म्यूजिक में ही आगे अगर करियर बनाना है तो म्यूजिक में ही जाओ. तो ये उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा फेवर किया था, एंड देन आई वेंट इनटू म्यूजिक फुल्ली. सो आई थिंक दिस इज द पॉइंट दैट आई कैन रिकलेक्ट. प्रतिभा, ये भी सवाल बहुत कॉमन है और आपने शायद इस तक इसका जवाब पहले भी अपने इंटरव्यूज में दिया होगा. क्या कैसे जो एक तालमेल बिठाना होता है पढ़ाई के साथ संगीत की शिक्षा का, क्योंकि संगीत की तालीम अपने आप में एक बहुत बड़ा
समर्पण है, बहुत बड़ा संयम का काम है। कैसे वो संतुलन बिठाया आपने अपने जीवन में, और क्या कभी परिवार की तरफ से कोई ये डांट पड़ी रियाज ना करने के लिए या रियाज जरूरत से ज्यादा करने के लिए कि तुम्हारा तो ज्यादातर वक्त संगीत में ही बीतता है, ऐसा कभी कुछ हुआ क्या? दरअसल संगीत में ज्यादा समय बीतता था इसके लिए डांट बहुत बार पड़ी है पेरेंट्स से, लेकिन रियाज के लिए डांट नहीं पड़ी क्योंकि मैं रियाज बिल्कुल नहीं करती थी, और मुझे आज तक भी डांट पड़ती है घर पे कि तुम रियाज नहीं करती हो। एंड सच में मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब मैं रियाज, फिलहाल लॉकडाउन के दौरान थैंकफुली कुछ हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह से रियाज करना चाहिए उस तरह से शायद मैंने बहुत ज्यादा रियाज कभी भी नहीं किया, लेकिन उसकी कमी मुझे बहुत महसूस होती है और मैंने इसीलिए शुरू भी कर दिया है। लेकिन हाँ, मुझे रियाज करने के लिए पहले भी डांट पड़ती थी और अभी भी डांट पड़ती है, और म्यूजिक में ज्यादा वक्त बिताने के लिए बचपन में डांट पड़ती थी क्योंकि तब पढ़ाई में उसका असर पड़ता था, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं म्यूजिक में बिजी रहती थी तो अपने एकेडमिक्स में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी जितना देना चाहिए। बट थैंकफुली मैं पढ़ने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्क्स उस म्यूजिक की वजह से कुछ कम आए हों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ थैंकफुली। लेकिन और परिवार का सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है मुझे, अगर बात करें म्यूजिक में ओवरऑल सपोर्ट की, जैसे कि मैं अभी भी म्यूजिक में पूरा 100% टाइम अपना इन्वेस्ट करती हूँ, तो मेरा परिवार, चाहे वो दोनों परिवार, चाहे वो इन लॉज का परिवार हो या फिर मेरा मेडन फैमिली हो, सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट है। आई थिंक वही लोग मेरी बैकबोन है जो कि जिसकी वजह से मैं इतने अच्छे से अपना टाइम म्यूजिक को दे पा रही हूँ। अच्छा प्रतिभा, ये बातचीत बहुत हमारे सुनने वाले जो है उनको ये लगे कि एक कलाकार इतना अच्छा है, और मैं कुछ गाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो अब अगली रिक्वेस्ट यही है कि कुछ 3-4-5 गाने जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत विस्तार से गाएं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े भी अगर आप सुनाएं तो हमारे जो श्रोता है रागगिरी के, जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उन्हें संगीत में डूबने का मौका मिलेगा। जरूर, 3-4-5 से कई बार 10 भी हो जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता, बट कीपिंग दैट इन माइंड कि हम लोग एक इंटरव्यू कर रहे हैं और लोगों से बात भी हो रही है, एंड इस लॉकडाउन के दौरान कुछ चीजें बहुत इम्पोर्टेंट समझ आई है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि हारमोनियम बजाना इज वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन आई एम सिंगिंग अ गजल और एनीथिंग। आई थिंक विद द हारमोनियम आई गेट द सपोर्ट, एंड फॉर नाउ अभी जो भी मैं तानपुरे के सपोर्ट में जितना गा सकती हूँ आपको सुनाती हूँ। पहली गजल जो मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ वो गालिब का लिखा हुआ कलाम है, एंड उसे गाया है चित्रा जी ने, और मेरा एक बहुत ही हम्बल अटेम्प्ट है, आई होप लोगों को अच्छा लगे। थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगी ताकि आपको ज्यादा चीजें सुना सकूं। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ के खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता के खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता, ये न थी हमारी
मत। थैंक यू। इसी कड़ी में आपको एक और गजल सुनाती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इसे बचपन से ही सुनती और गाती आ रही हूँ। तो आप सबके लिए ये बहुत ही खूबसूरत गजल, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बहादुर शाह जफर साहब का लिखा हुआ कलाम है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। थैंक यू। मैं बचपन से ही मेहदी हसन साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ और ये भी मेहदी हसन साहब की ही गाई हुई थी। आगे जो आपको एक और गजल सुनाने वाली हूँ, ये एक फिल्मी गजल है जो कि मेहदी हसन साहब की गाई हुई है और मंसूर अनवर साहब की लिखी हुई है, तो आप सबके लिए इसके भी दो लाइनें सुनाती हूँ। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा प्रतिभा, आपने क्या सोचा था जब आपने संगीत की तालीम ली और प्रॉपर शास्त्रीय संगीत की तालीम ली, तब लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि
शास्त्रीय संगीत की दुनिया में आगे जाना है, वहां पर अपनी जगह बनानी है, और या ये था कि अपनी जड़ों को मजबूत करना है, लेकिन जाना तो प्लेबैक म्यूजिक में है, यानी फिल्मों के लिए गाने गाने हैं। दरअसल जब मैंने सीखना शुरू किया प्रॉपरली इंडियन क्लासिकल, तब मैं शायद 13 साल की थी, और मेरे जो काका साहेब हैं वो तबला प्लेयर हैं, और घर पे म्यूजिक का माहौल रहता था, और तो तब पता नहीं था कि मैं क्या करूंगी। फिल्मों के लिए तो दूर दूर तक सोचा भी नहीं था कि कभी फिल्मों के लिए भी गाऊंगी, और बॉलीवुड में आने का कोई भी प्लान नहीं था। तब मेरे काका मुझे एक ठुमरी सिंगर बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मेरा रुझान, क्योंकि मैं गजलें और ठुमरीज बहुत सुनती थी बचपन से, तो उनका उनका यही कहना था कि इसे ठुमरी सिंगर बनाना है। लेकिन तब मुझे इतना पता नहीं था, और मैं इतना ज्यादा सोचती भी नहीं थी कि मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ म्यूजिक अच्छा लगता था, तो मैं बस उसमें डूबी रहती थी। लेकिन जरूर जब मैं मुंबई आई, तो तब जरूर मेरा ये एक तरह से कहना चाहिए एम था कि फिल्मों के लिए गाना है, क्योंकि तब दिमाग इतना परिपक्व नहीं था कि फिल्में एक दायरा है, म्यूजिक तो बहुत वृहद है, बहुत वास्ट है, और तब मुझे पता नहीं था कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे फिल्मों के लिए गाना है और उसके लिए मेहनत करनी है, तो मैं अपने म्यूजिक को बहुत लिमिटेड कर रही हूँ। एंड नाउ आई हैव कम टू द पॉइंट, नॉट नाउ बट आई थिंक इट्स बीन 2-3 years दैट आई हैव बीन मेकिंग माई माइंड कि मुझे अपने म्यूजिक को लिमिटेड नहीं करना है। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई म्यूजिक, और बॉलीवुड के लिए येस बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है गाना, लेकिन इसके अलावा भी मैं अपने म्यूजिक को और ज्यादा निखारना चाहती हूँ, और ज्यादा इसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जो कि हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक इतना पुख्ता है, इतना वृहद है, जिसे हम लिमिट नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है अब कि फिल्मों के लिए गाना तो अपनी एक अलग बात है और बहुत रोमांचक है, लेकिन मुझे लगता है कि म्यूजिक को हमें लिमिटेड नहीं करना चाहिए, उसका एक दायरा बनाकर कि फिल्मों के लिए ही गाना है, क्योंकि म्यूजिक बहुत वास्ट है और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे एरियाज हैं। तो मैं जरूर चाहती हूँ कि मैं अपने म्यूजिक को दुनिया भर में हर जगह जो हिंदुस्तानी प्योर म्यूजिक है उसे पहुंचा सकूं लोगों तक। जहां तक हिंदुस्तानी क्लासिकल की बात है, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं सीख रही थी इंडियन क्लासिकल यहाँ रीवा में, तो तब मैं कुछ प्रतियोगिताएं जो होती हैं स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया करती थी, और इनफैक्ट एक बार बहुत अच्छा हुआ था और मैं काफी आगे तक हिस्सा ले पाई थी इंडियन क्लासिकल, प्योर क्लासिकल में, जहां पर ख्याल और बड़ा ख्याल ये सब चीजें गाई जाती हैं। लेकिन दिन ब दिन जब मैं सीखते सीखते मेरा रुझान ठुमरीज और गजलों की तरफ ज्यादा हुआ, और तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो जो बेसिक ख्याल गायकी है उसमें ना जाकर मुझे ठुमरीज और गजलों की तरफ जाना है। तब मैंने अपना दिमाग बनाया कि नहीं, मुझे इस तरफ जाना है, और उसके बाद में डेफिनेटली फिल्मों के लिए भी मैं कोशिश करती रहती हूँ। एंड लेकिन ये डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि ये एक दायरा नहीं होना चाहिए किसी भी सिंगर या किसी भी आर्टिस्ट के लिए। अपने कला के दायरे को हमेशा वास्ट रखना चाहिए, कला के दायरे को कभी संकुचित नहीं करना चाहिए, ताकि उसे एक्सप्लोर करने के नए नए तरीके आप तक हमेशा पहुंचते रहें, और आप उसे एक्सप्लोर करते रहें दिन ब दिन, क्योंकि म्यूजिक एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और उसे अगर हम लिमिटेड कर दें कि जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं एक गजल सिंगर हूं, या मैं कहूं कि मैं एक प्लेबैक सिंगर हूं, या मैं कहूं कि मैं एक भजन सिंगर हूं, तो मैं अपने दायरे को घटा रही हूं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि मैं एक इंडियन म्यूजिशियन हूं जिसे सब चीजें करना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसकी स्पेशलिटी किसी चीज में हो सकती है। जैसे हम लोग इतने लोगों को सुनते आ रहे हैं, जैसे कि इंडियन क्लासिकल में हम लोग उस्ताद आमिर खान साहब को सुनते आ रहे हैं, उस्ताद राशिद खान साहब को सुनते आ रहे हैं, तो इस तरह से। और ठुमरीज में मुझे बेहद पसंद
थी गिरिजा देवी जी की ठुमरी गायक, जो उनका गायन था वो मुझे बेहद पसंद था। तो पंडित अजय चक्रवर्ती जी का मुझे ठुमरी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा प्रतिभा, मैंने वो आपका वीडियो फिर फाइनली जिस वीडियो के जिक्र से ये इंटरव्यू शुरू हुआ वो देखा, पूरा इंटरव्यू देखा आपका, पूरा वीडियो देखा मतलब वो, और उसमें देखा कि आपने तमाम गायकों के गानों को अटेम्प्ट किया है, कई आरती भी आपने गाई है बड़ी सुंदर, बड़ी मनमोहक। तो कुछ जो आपके पसंदीदा गायक हों उनके बारे में बताएं, वो क्यों पसंद थे, क्या वजह थी कि आपको उन कलाकारों को ज्यादा सुनने में मजा आता था वो बताएं, और कुछ सुनाएं भी जो आपके दिल के करीब हो। दरअसल बचपन से ही मेहदी हसन साहब को और गुलाम अली साहब को मैंने बहुत सुना है, इसलिए शायद गजलों की तरफ मुझे ज्यादा रुचि हुई। और मेहदी हसन साहब को इसलिए क्योंकि उनकी गायकी में इतना सुकून है, इतना ठहराव है, कोई भी मुश्किल से मुश्किल बात वो इतनी आसानी से बड़े सुकून के साथ में कहते हैं। उनका जो कहने का अंदाज है, गजल, एक ऑथेंटिक गजल अगर आपको सुननी है तो मुझे लगता है मेहदी हसन साहब को ही सुनना चाहिए। एंड देन गुलाम अली साहब, जिनकी एक अलग रूह है, एक पंजाबी जो टप्पे होते हैं, जो जो एक अलग तरह की उनकी गायकी है जिसमें अलग खुशबू है, पंजाबी और उत्तर भारतीय मिक्स जो एक खुशबू है वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम अली साहब में विद फुल असर जिसको कहते हैं कि उतना ही असर है उनके गाने में। जितनी भी मुश्किल गजलें गाएं लेकिन वो बहुत आसान लगती है जब वो गाते हैं। तो ऐसा इस कारण से मुझे गुलाम अली साहब बहुत पसंद है। बाद में मुझे मैडम नूरजहां जी को सुनने का मौका मिला, उनकी गजलों में बहुत सादगी है और बहुत जो अदायगी है, बहुत नटखट अदायगी है उनकी, वो मुझे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक आई हैव वेरी लॉट ऑफ फेवरेट्स इन डिफरेंट जॉनराज। जैसे हरिहरन जी की गायकी मुझे इसलिए बहुत पसंद है गजलों में क्योंकि उनकी गायकी, अगर आप एक गजल गा लीजिए तो आपके गले का रियाज भी हो जाता है और ये भी पता चल जाता है कि कितना ध्यान रख के गाना पड़ता है, जो कि वो बात करते करते गा जाते हैं। जैसे कि मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें वो कहते हैं कि गजल ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप बात कर रहे हो और वैसे ही गानी चाहिए, और जब वो गाते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे वो बात कर रहे हो, लेकिन अगर हम गाने की कोशिश करें तो लगता है कितना कठिन है। तो ये उनकी स्पेशलिटी है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि उनके जैसा इतना रियाज और इतना सधा हुआ कैसे गाऊं कि उनकी बात जो उतार लूं अपने अंदर कि बात करते हुए कैसे गा सकते हो आप। तो होपफुली समडे। अच्छा, ये फिल्मों का जो सफर शुरू हुआ प्लेबैक म्यूजिक का, ये इंटरेस्टिंग रहा होगा क्योंकि आपने एफर्ट किया कि नहीं किया, आप बॉम्बे गई कि नहीं गई, या जब आप रियलिटी शोज में थी तब क्या ये प्रोसेस था, कैसे कुछ हुआ, फिल्म का ऑफर कैसे आया, पहली फिल्म का पहला गाना जो रहा हो आपका? जब मैं सारे गामा में थी तब पता नहीं, तब भी मैंने सोचा नहीं था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं प्लेबैक करूंगी या मैं मुंबई जाऊंगी। मेरा एम यही था कि मुझे म्यूजिक प्रोफेसर बनना है और उसके लिए पढ़ाई भी कर रही थी मैं म्यूजिक में, लेकिन फिर मैं मुंबई आ गई सारेगामा में, और सारेगामा के बाद से ये सब दिमाग में आना शुरू हुआ कि अब प्लेबैक के लिए भी मेहनत करनी है, क्योंकि वहां पर जब देखती थी शंकर महादेवन जी मेरे कोच थे और मेरे मेंटर थे इनफैक्ट, और आदेश श्रीवास्तव जी थे जो कि नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच, और प्रीतम सर थे एंड हिमेश जी थे। तो तब वहां पर जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्लेबैक में भी मेहनत करनी है, और उसके बाद यस, मैंने डेफिनेटली प्लेबैक के लिए भी मेहनत करनी शुरू की, पर पता नहीं था कि मेहनत कैसे करते हैं प्लेबैक के लिए, क्योंकि रीवा की एक लड़की जो अचानक मुंबई पहुंच गई है और इस फील्ड में कोई भी एक इंसान नहीं है जो मुझे गाइड कर सके कि तुम्हें किस तरह से आगे बढ़ना है, तो पता नहीं था। लोग कहते थे टच में रहो, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि टच में रहने के लिए यू हैव टू कीप मीटिंग देम, यू हैव टू कीप इन टच विद देम। तो बस मैं मुंबई में रहने लग गई थी, मुझे लगा कि हाँ अभी किसी का फोन आएगा तो मैं मुंबई में हूं तो मैं जा सकती हूँ गाने के लिए। तो लगभग एक साल तो ऐसे ही निकल गया क्योंकि पता ही नहीं था कि, और मैं पवई में रहती थी, उसके पहले एरोली में रहती थी, तो मुझे आदेश जी कई बार बुलाया करते थे रिकॉर्डिंग्स के लिए और बोलते थे कि तुम इतनी दूर रहती हो
कि अगर कभी कुछ रिकॉर्ड भी करना है तो तुम्हें बुलाने से अच्छा लगता है कि तुम्हें उतनी दूर से बुलाऊंगा, तुम परेशान होगी, इससे अच्छा कोई आसपास रहता होगा उसे बुला लेता हूँ। तब मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, मुझे इस तरफ ही रहना पड़ेगा जहां पर स्टूडियोज हैं या आसपास, जहां से मैं इजीली ट्रैवल करके जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो इस तरह से चीजें धीरे धीरे समझ आई, वहां रहते रहते समझ आया। देन मैंने लाइव कॉन्सर्ट्स और शोज करने शुरू किए और धीरे 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 अपने आप सीखते सीखते चीजें समझ में आई। और लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान सीखता है धीरे धीरे, और आई थिंक खुद से जो सीख कर जो मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। अच्छा, अभी जब आप पिछले काफी समय से लॉकडाउन था देश में, प्रतिभा और हम सब लोगों को ये हिदायत थी, अभी भी है, कि घरों से तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो, तो क्या ऐसे वक्त में आपको लगा कि वाकई में संगीत कितना बड़ा साथी है आपका, कितना बड़ा दोस्त है आपका, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपना हारमोनियम उठाएं, अपना तानपुरा लगाएं और आप घंटों रियाज कर सकते हैं, घंटों उस अथाह सागर में डूब सकते हैं बगैर ये सोचे कि बाहर क्या चल रहा है। दरअसल मेरा मानना है कि जो मेरे जैसे लोग हैं या जो कि एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में हैं, और लॉकडाउन के दौरान अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू नर्चर आर टैलेंट, टू नर्चर आर रिलेशनशिप्स विद योर टैलेंट एंड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू। आई फील हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे, इतने बिजी हो गए थे कि शायद मुझे याद आता है कि मैं अपने दोस्तों से ऑलमोस्ट साल हो जाते थे तब मेरी बात होती थी, क्योंकि हम सब काम में इतने बिजी होते थे, हम कभी मिलते नहीं थे। लेकिन यकीन मानिए, इस लॉकडाउन के दौरान हमारा एक रीयूनियन हो गया है सबका। हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन बात करते हैं और हम अपने जिंदगी के हर पहलू के बारे में बात करते हैं, और यकीन मानिए इससे ज्यादा अच्छा टाइम नहीं हो सकता है आपको अपने आप को और ज्यादा संवारने का, ताकि ये जब वक्त निकल जाएगा, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो वक्त आज है वो निकल ही जाएगा, वक्त कभी नहीं रुकता है। तो ये जो आज हमारे ऊपर ये एक फेज आया है, ये भी गुजर जाएगा, और जब वापस आएंगे तो हम मानसिक रोगी ना होकर मिले उस आगे आने वाले वक्त को, बल्कि और ज्यादा मजबूत होकर उस आगे आने वाले वक्त में अपने आप को प्रेजेंट करें, ताकि हम अपना और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दे पाएं। आई रियली फील फॉर्चुनेट टू बी ब्लेस्ड विद म्यूजिक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनको म्यूजिक नहीं मिला है वो ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा, मैं बायस हूँ इस मामले में कि भगवान जिन लोगों को म्यूजिक से नवाजता है वो उसके ज्यादा चहेते होते हैं। मैं थोड़ी सी इस बात को लेकर मैं थोड़ी सी बायस्ड हूँ कि मुझे लगता है कि ऊपर वाला मुझसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसने मुझे म्यूजिक जैसी चीज दे दी है, और इतना खूबसूरत एहसास है। म्यूजिक में आप घंटों डूबे रह सकते हैं और आपके आसपास सब कुछ कितना खूबसूरत हो जाता है जब मैं रियाज कर रही होती हूँ, और जो लोग सुन रहे होते हैं उन्हें भी आनंद आता है। सोचिए कि ये म्यूजिक चीज ही ऐसी है कि जो कर रहा है उसे भी आनंद आ रहा है, और जो सामने बैठकर सुन रहा है या जो दूर भी बैठकर सुन रहा है उसे भी आनंद आता है। तो वाकई ये ऐसी चीज से भगवान ने हम सबको ब्लेस किया है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे उन्होंने इतनी खूबसूरत विद्या देकर भेजा है। तो मेरा तो टाइम ऐसे ही निकलता है, और इसके जरिए मैं लोगों को भी थोड़ी बहुत खुशी पहुंचा सकती हूँ, ये जानकर भी अपने आप में एक बहुत राहत मिलती है कि मैं किसी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट या उनके दुख को थोड़ा सा मैं दूर कर सकती हूँ अपना संगीत सुनाकर। तो भगवान बस ऐसी हमें इस लायक बनाए रखे कि हम उनकी जिंदगियों में थोड़ा सा सुख बांट सकें अपने म्यूजिक के थ्रू, उन्हें थोड़ा एंटरटेन कर सकें, उन्हें थोड़ा म्यूजिक सुनाकर अगर उनकी आत्मा को सुख मिलता है, अगर उनके मन को थोड़ी शांति मिलती है, तो जरूर मैं वो करते रहना चाहूंगी। अब आते हैं प्रतिभा, जहां से मैंने इंटरव्यू शुरू किया था, उस गायक पर जिसको मतलब पूरा हिंदुस्तान
बहुत प्यार करता था, बहुत जल्दी चले गए वो, यानी जगजीत सिंह साहब। एक गजल आपकी हमने सुनी थी इंटरव्यू की शुरू में ही, लेकिन जगजीत सिंह से जुड़े कुछ और गजलें जो आपने सुनी हो और जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिनको सुन के आपको लगता हो कि मैं गजल जब भी गाऊंगी या जब भी मुझे गजलों में गजलें गाने का मन होगा मैं ये गजल जरूर गाऊंगी। जगजीत सिंह साहब को जितना भी याद करें और जितना भी उनके बारे में कहें वो कम है। वो जल्दी तो बहुत चले गए वाकई, और बहुत दुख है इस बात का, लेकिन मुझे लगता है वो हम सब के दिलों में आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो संगीत किया है वो अमर है, वो कभी धूमिल हो ही नहीं सकता है। उनकी ये गजल है जो मुझे बेहद पसंद है और मैं अक्सर वो गाती हूँ, क्योंकि जो लिरिक्स हैं, हस्ती के लिरिक्स हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं मुझे। कई बार अचरज होता है कि लोग इतना खूबसूरत कैसे सोच सकते हैं, जो कि इतना रेलेवेंट हो किसी की भी जिंदगी में। तो वो गजल मैं आपको जरूर सुनाना चाहती हूँ, दो लाइनें। जिस्म के बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म के बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ऑल्सो अगर ये दो नाम मेंशन नहीं किए तो शायद मेरा ये पूरा ही नहीं हो पाएगा। दो लोग और हैं, मधुरानी जी और जगजीत सिंह साहब। आई थिंक ये दोनों लोगों को मैं एक ही जैसे पाती हूँ, क्योंकि ये दोनों लोगों के गाने में इतना असर है, इतना असर है कि अगर आप आंख बंद करके एक बार सुनने लग जाए तो आप ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। प्रतिभा, एक गंभीर सवाल जहन में आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप एक बहुत छोटे से शहर से निकल कर आती हैं, मुंबई तक का सफर आपने तय किया है, आपका फिल्मी प्लेबैक सिंगिंग का करियर शुरू हो चुका है, लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम जानते हैं अभी पूरे हिंदुस्तान की आंखों में उस दिन आंसू थे जब पता चला कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग जिस प्रोसेस में हैं और जैसे आपका सफर शुरू हुआ है, और वो सफर कब किसी तरह की परेशानियों में घिर जाता है, उससे अगर बचना है, अगर आप आज आपसे कोई कहे कि आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखती हैं मुश्किल वक्त में, और कैसे बाकी लोगों को भी रखना चाहिए, उन तमाम कलाकारों को रखना चाहिए जो आपकी तरह हैं या शायद आपसे भी थोड़ा पीछे हैं, जिन्हें अभी प्लेबैक सिंगिंग का मौका नहीं मिला है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो दरवाजे खटखटा रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के, ऐसे में अगर उन्हें हताश नहीं होना है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, और उस मैसेज के साथ कोई एक गाना जिस गाने में भी वो मैसेज हो आप प्लीज हमें सुनाइए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि इस वक्त हौसला मत हारिए और हौसला बुलंद रखिए, क्योंकि आगे जो वक्त आएगा उसमें हमें और भी ज्यादा मजबूती से सामने आना है, और अपना टैलेंट निखारते रहिए ताकि जब उसकी जरूरत पड़े और जब ये सब ठीक हो जाए तो आप अपना 100% दे सकें। इसी के लिए एक गाना मुझे याद आता है, सलीम सुलेमान साहब का बहुत खूबसूरत गाना है और मोटिवेशनल भी है। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू
कैसे रुके ये हौसला कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन्हा ये दिल तो क्या हो। थैंक यू ऑल्सो टू द पीपल हु आर परस्यूइंग देयर करियर इन म्यूजिक, जैसे आपने पूछा कि वो जो यंग टैलेंट्स हैं जो लोग म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास में अपना म्यूजिक शोकेस करना चाहते हैं और हताश हो रहे हैं, उन्हें हताश होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आज इतना हमारा जो सामाजिक और जो म्यूजिकल दायरा इतना बढ़ चुका है और उसके लिए इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जिसके लिए किसी की जरूरत ही नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने सबके लिए बराबर, यूट्यूब आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है और बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी है और सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी है, तो हताश होने की तो जरूरत ही नहीं है। आपके पास टैलेंट है, आप अपना एक वीडियो बनाइए और यूट्यूब पे पोस्ट कीजिए या फिर अपना एक चैनल बनाइए या फिर आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। आई थिंक आपको हताश होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म सबके लिए इजीली अवेलेबल हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप खूब सारा अच्छा अच्छा म्यूजिक कीजिए और उसे ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर पोस्ट कीजिए और अच्छा टैलेंट है तो कभी छुपकर नहीं रहेगा। प्रतिभा, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत सारे विषयों पर बात की, जगजीत सिंह साहब को याद किया, आपके पसंदीदा सिंगर्स को सुना, आपको सुना और जो आखिरी सवाल में हम लोग की बातचीत हुई कि जब छोटे शहर से निकलकर हम माया नगरी में जाते हैं, जिसे माया नगरी यानी मुंबई को माया नगरी के नाम से हम जानते हैं, उस शहर में जाकर हमें कैसे खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका संगीत सफर यूं ही चलता रहे, आप खूबसूरत गाना हमें फिल्मों में भी सुनाते रहें, इस तरह के वीडियोस के जरिए सुनाते रहें, एल्बम्स में सुनाते रहें और संगीत की जो आपकी साधना है, संगीत के जो आपके संस्कार हैं वो यूं ही आपके अंदर कायम रहें। हमारे लिए समय निकालने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेन जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए और रियली इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। और सभी रागगिरी के दर्शकों को, श्रोताजनों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और घर पे रहें। थैंक यू।